बनाने का मकसद मेरा ये है कि देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो पिछले 8 महीने से ज्यादा बगैर वेतन के जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में वो प्रेस क्लब के बाहर अपना एक पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां 144 लगा के उनको पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी करवाया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। ये जुल्मो गैर मुगलों से भी ज्यादा इस भाजपा सरकार के अंदर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के ऊपर हो रही है। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है, जिस भाजपा ने 63 दिन अमरनाथ लैंड रोवर पे जम्मू बंद रखा, आज महाशिवरात्रि के पर्व पे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को वेतन से वंचित रखा। ये इतना बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का, जिसको हर्षोल्लास से कश्मीरी पंडित समाज मनाता है, और इस कश्मीरी पंडित समाज के पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को वेतन के बगैर रखा गया इस स्थिति में कि वो अपनी शिवरात्रि भी इस बार अच्छी तरह नहीं मना सकते। और सेम ही हाल हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का, जो बेचारे पनामा चौक में 8 महीने से ज्यादा वो भी सफर कर रहे हैं, वो भी शिकार हुए टारगेटेड किलिंग्स का, और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज भी, और इनको बगैर वेतन के रखना 8 महीने से, इस मनोज सिन्हा के लिए शर्म की बात है, मोदी के लिए शर्म की बात है, अमित शाह के लिए शर्म की बात है। मैं और सबसे बड़ी गुंडागर्दी देखिए मनोज सिन्हा की और तानाशाही, वो अभी भी अखबारों में मीडिया में सोशल मीडिया में ये लिख रहे हैं तनख्वाह उनको मिलेगी जो वहां ज्वाइन करेंगे। यानी कि कश्मीरी पंडितों एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज को मौत के हवाले करवाना चाहती है ये सरकार। वो अगर मरे जिए, राहुल भट्ट की शहादत हो या रजनी बाला की शहादत हो या उसके बाद भी जो टारगेटेड किलिंग्स हो, उसके बाद भी सरकार उनको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहता हूं। और राइट टू लाइफ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, आज पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का खतरे में है, आज उनको टारगेटेड किलिंग से मारा जा रहा है। ये सरकार तानाशाही की चरम सीमा पे आ चुकी है। मनोज सिन्हा तू सुधर जा, मैं तुझे कह रहा हूं, बम बम बोले है से पंगा मत लेना। महाशंकर के वक्त इस कौम को की बद्दुआ मत ले। कल हर कश्मीरी पंडित और हर हिंदू के घर में पीएम पैकेज एम्प्लॉई हो या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई हो, उसके घर में शंकर भगवान की पूजा होगी। मगर मुझे लगता है जो कर्मचारी वेतन के बगैर 8 महीने से है, वो टूटे हुए दिल से जब वो पूजा करेंगे तो उसका प्रकोप इस भाजपा सरकार पे, मोदी सरकार पे, अमित शाह पे और इस एलजी प्रशासन पे, मैं तो चाहता नहीं हूं टूटे, भगवान किसी का बुरा ना करे, मगर जब टूटे हुए दिल से शंकर भगवान की हम पूजा करेंगे तो कहीं का नहीं रहोगे। यहां अहंकार ने बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबा दिया, अहंकार ने महापंडित महाविद्वान रावण को नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज हो, तुम किस खेत की मूली हो मनोज सिन्हा? अभी भी कह रहा हूं समय है, सुधर जाओ। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की आज सैलरी रिलीज कर दो, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की आज रिजर्व की सैलरी रिलीज कर दो। कल शिवरात्रि है, सबसे बड़ा पर्व है, वो पिछले 8 महीने से सैलरी के बगैर है। पंडित तो पूजा जरूर करेगा, हर हिंदू पूजा जरूर करेगा, मगर ये सोच लो कि उस पंडित के दिल से, उस हिंदू के दिल से, उसके कंठ से तुम क्या चाहते हो। तुम दुआएं चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, खुदा ना खास्ता उसकी बद्दुआ चाहते हो, तो तुम्हारे लिए भी ये अच्छा है। तुम्हारे जो आका दिल्ली में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी ये अच्छा। इतनी भी अपीजमेंट ठीक नहीं है। किसी एक कम्युनिटी को आप खुश करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, आप करें, जो आपकी रणनीतियां नीतियां आप उनको करें, मगर इस सब के बीच में आप कश्मीरी पंडितों का के कतलेआम को सरेआम सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स के वो शिकार हुए, और आप एक झूठा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक पाखंड रचा रहे हैं कश्मीर के अंदर की माहौल नॉर्मल है, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मौत इनके सिर पे वहां मंडरा रही है, आपकी सरकार सुरक्षा व्यवस्था देने में विफल रही है, आपकी केंद्र सरकार विफल है, महंगाई में, बेरोजगारी में, आप तो लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रहे, आपके राज में लोग दिन प्रतिदिन किलिंग्स बढ़ती जा रही है। सबसे शर्मनाक बात है, अमित शाह जी को जब यहां पूछा जाता है कि भाई किलिंग्स के
आप वो कहते हैं किलिंग्स पहले से कम हुई, मतलब वो किलिंग्स करवाना और चाहते हैं। उनका ये जवाब, उनका जवाब ये होना चाहिए कि हम अश्योर करते हैं बिग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि आगे से किलिंग्स नहीं होगी। वहां बड़ी शर्मनाक बात है, उनकी विफलता, उनकी नालायकी यहां से जहां रिफ्लेक्ट होती है, जब वो ये चीज कहते हैं कि किलिंग्स पहले से कम हुई और उसने अहंकार से कही है। अमित शाह जी, कोई पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए होम मिनिस्टर आप नहीं रहोगे, कुर्सियां आती जाती रहती, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार किया आपने, शर्म सीमा पार कर दी है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, वो भी 2014 में आ गई, आपने तो भी सत्ता दो ही बार देखी है, तो इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। किसी मजलूम पंडित पे इतना जुल्म ना करो कि उसके मुंह से किसी के लिए बद्दुआ निकले। उसकी दुआ लो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी सरकार के लिए, तुम्हारे एलजी के लिए मैं इस वीडियो से कहना चाहता हूं, मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूं कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की जो 8 महीने से सैलरी बंद है वो आज शाम तक छोड़ दो। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की जो 8 महीने से सैलरी बंद है वो छोड़ दो। ये जुल्म और गैरत बंद करो।